कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के सफल संचालन के लिए रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के प्रेरणा श्री सभागार कक्ष में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल के चिकित्सकों और संचालकों की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार पांडे और वैक्सीन कोल्ड चैन मैनेजर पवन सिंह ने अभियान के बारे में आवश्यक जानकारी दी। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि कल 1 मार्च से 60 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों और 45 से 59 वर्ष तक के वैसे लोग जिनको कोई गंभीर बीमारी है उनका टीकाकरण आरंभ किया जा रहा है। मंगलवार को जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में बूथ लगाए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा निःशुल्क होगी, जबकि निजी अस्पताल टीकाकरण के लिए अधिकतम 250 रुपए ले सकेंगे। निजी अस्पतालों को सरकार निर्धारित दर पर वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने सभी से अपील की है कि कोविड टीकाकरण शासन की शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में है। वर्तमान में कई राज्यों में कोविड केस बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अधिकतम लोगों को प्रतिरक्षित किया जाना आवश्यक है। जनपद में 40,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला है। यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी पात्र लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जाना आवश्यक है। बैठक के उपरांत गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर सिंह ने यह ऐलान किया कि गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय ने टीकाकरण मात्र 150 रुपए में करेगा, केवल वैक्सीन का चार्ज 150 रुपया लेगा। टीका लगाने का शुल्क 100 रुपए नहीं लेगा। इस दौरान बैठक में डॉक्टर ए.के. चतुर्वेदी, डॉक्टर कामेश्वर सिंह, डॉक्टर सुरिता करीम, डॉक्टर एस.एस. शाही, डॉक्टर मुस्ताक, आयुष्मान भारत जिला समन्वयक डॉक्टर संचिता, शशांक कुमार शेखर के अतिरिक्त समस्त सूचीबद्ध अस्पतालों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर सिंह और सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, 1,000 रुपए से ज्यादा भी कहीं चार्ज कर दिया गया, क्योंकि पब्लिक अब इतना मोबाइल हो गया कि रात में 12 बजे 1 बजे भी फोन कर देती है कि यहाँ इस ये भारत सरकार का ये बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि अगर फ्री नहीं कर सकते हैं तो सब्सिडाइज भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो 100 का जो है उसमें आप व्यवस्था कर लें और बहुत ही अच्छा ये बैनर लगा लें, पॉपुलराइज कर लें कि वैक्सीन हम लोग लगा रहे हैं, देश की हित में काम कर रहे हैं, इस बीमारी को हम लगाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब लोगों का सहयोग एक तरह से रहेगा, हम इधर फ्री भी लगाते रहेंगे। अगर वो 100 रुपया कोई नहीं दे पा रहा है तो आप भेज दीजिए हमारे यहाँ, तो हम तो फ्री में हम सब लोग लगवाए, फ्री में लगवाए हैं सब। तो सरकार को इसलिए हम चूंकि हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, जैसे कि इधर चलिए 4-5 स्टेट्स में वायरस कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है, तो सरकार ने अभी तो नहीं सोचा था, देखा 1-2 दिन में फैसला लिया है कि हम सभी प्राइवेट एजेंसी सब लोगों को ले लें और जल्दी जल्दी सब लोगों को लगवा दें, जिससे कि वो कहर ना आने पाए जो पिछले साल हम लोगों ने झेला है। तो हम सब लोग एक साथ में हैं, सहयोग आप लोगों को चाहिए और जो भी छोटा मोटा चीज़ें होंगी हम लोग साथ में बैठ करके बात करते रहेंगे और काम करेंगे। वेस्ट डिस्पोजल भी बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, वेस्ट डिस्पोजल की भी इसकी भी जो खरीदे तो जैसे कि पेपर वालों को ऐसा लगे कि इस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो प्रॉपरली उसको जैसे डिस्पोज किया जाता है उसको इस तरह से हम लोग फॉलो करना है। वैक्सीन लगाने के पश्चात आप भी उसको 48 घंटा कहीं अन्यत्र जगह पे रखेंगे, यदि कहीं कोई रिसेप्टिंग होती है तो ये सेशन स्टार्ट करना था 4 तारीख से, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना प्रेशराइज किया कि कल से हम लोग एक सॉफ्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेल लगाने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में एक सेंटर लगाएंगे और एक हमें निर्देश है प्राइवेट में, दिक्कत नहीं है, लेकिन कल के लिए लाभार्थी कम मिलेंगे क्योंकि बुकिंग नहीं है। भले ही वो हेल्थ केयर वर्कर है या FLW है, वो अनरजिस्टर्ड है, अपना आईडी हॉस्पिटल का और अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड लेके आ जाए तो आप क्या लीटर का होता है और उसमें 4 आइस पैक आते हैं, इन्होंने डे कैरियर ले आया और जो आइस पैक होता है वो चारों तरफ
एक एक आइस पैक कंडीशन करके लगा दिए जाते हैं और फिर 16 से 20 पैक उसकी कैपेसिटी। अगर हॉस्पिटल से है तो ये इनके बंद कर दीजिए, 17 को सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का सिस्टम। दो आइस पैक लगता है, दो आइस पैक टेंपरेचर मेंटेन करके कैरी करने के लिए प्रीवियस से होल्ड ओवर टाइम के अलग अलग होते हैं अलग अलग सिनेरियो में। मैं डॉक्टर कामेश्वर सिंह एडिशनल डायरेक्टर गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय में हूँ। हमें वैक्सीन का लगाने का अथराइज किया गया है और हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और हम कोविड के कंट्रोल के लिए गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय हर संभव सहयोग प्रशासन या सरकार को देने को तैयार है। हमारी सबसे चीज बताना चाहूँगा कि 150 रुपये वैक्सीन का चार्ज देना है और 100 रुपये लगाने के लिए चार्ज देना है। गोरखनाथ चिकित्सालय लगाने का चार्ज कोई इससे हम बेनिफिशरीज से नहीं लेंगे, क्योंकि वैक्सीन का हमें परचेज करना है, वो पैसा सरकार को देना है, तो वो चार्ज हम क्यों करेंगे, बाकी कोई चार्ज नहीं करेंगे। 100 रुपया क्या 1 रुपया भी हम अतिरिक्त चार्ज नहीं करेंगे, केवल 150 में हम वैक्सीनेशन करेंगे। इसे जो है 1 मार्च से भारत सरकार की एक प्लानिंग है कि हम छोटा सा एक सेशन तैयार कर लें जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों का और 45 साल से ऊपर के कोमॉर्बिड लोगों का कुछ वैक्सीनेशन करा सके, जिसके लिए हमें 3 सेंटर में कल वैक्सीनेशन करना है। और अब चूंकि बीमारी उधर बढ़ती भी जा रही है तो भारत सरकार ने ये योजना बनाई है कि हम बृहद स्केल में सभी लोगों का वैक्सीनेशन करा सकें। तो जो भी हमारे आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हॉस्पिटल्स हैं हमारे प्रदेश में, देश में और हमारे यहाँ इस ज़िले में करीब 63 के आसपास हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो भारत आयुष्मान कार्ड की योजना से आच्छादित हैं, उनको सरकार ने वो चयन कर लिया है कि वो वैक्सीनेट करा सकते हैं। तो उनकी क्या कैपेसिटी है, कितने लोगों का पर डे वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं, उसके लिए और उनको ओरिएंट करने के लिए हमने एक मीटिंग तैयार बुलाई है और सभी लोग आए हुए हैं, उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको हम बता रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आप पैसा दे के भी टीका लगवा सकते हैं, इसका क्या पूरा? हाँ जी है, बहुत ही टोकन मनी जैसा सरकार ने निर्धारित किया हुआ है, 250 रुपये दे करके लोग प्राइवेट से भी टीका लगवा सकते हैं, जिसमें 150 रुपये वैक्सीन का चार्ज है, जो 150 रुपये हमारे भारत सरकार के अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे और वो उनको वैक्सीन मिल जाएगी, और 100 रुपये इनको लगवाने का चार्ज, और भी लॉजिस्टिक जितनी उपलब्ध होती है उनके पास चाहिए, उसमें वो 100 रुपये में वो चार्ज करके टीका लगाएंगे। शहर के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में सुविधा मिल सकती है किसी? नहीं नहीं, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिल सकती है, हम सबको असेस करेंगे कि कौन इस सुविधा देने के काबिल है। जैसे कि इसमें अभी भी कुछ भ्रांतियाँ भी हैं और कुछ रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल इस कैपेसिटी में होंगे कि छोटी मोटी और कोई किसी चीज़ की अगर एडवर्स इफेक्ट आता है मैनेज कर सकते हैं, हम उन्हीं को चांस देंगे करने के लिए। जो व्यक्ति पैसा देके नहीं लगवाना चाहता है उनके लिए अलग से क्या व्यवस्था? हाँ, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे चल रही थी व्यवस्था उसी तरह चल रही है, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगेंगे वो फ्री आप चार्ज लगेंगे, कोई भी आके लगवा सकता है वहाँ पर। सर, जो लोग प्राइवेट अस्पताल में पैसा देके टीका लगवाएंगे, क्या उनका पोर्टल पर नाम अपलोड होना चाहिए? वो कुछ तो सरकार पोर्टल अभी खोलने जा रही है, कल से हो सकता है पोर्टल खुल जाए, तो लोग अपने को पोर्टल पर लोड करेंगे और वॉकिंग आएंगे और अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे, आधार कार्ड दिखाएंगे, तो उनको भी हम लोग वैक्सीनेट कर देंगे। सर, कल कहाँ पर किन किन बूथों पर सर वैक्सीनेशन होगा? कल हमारे मेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा और दूसरा BRD मेडिकल कॉलेज में होगा और तीसरा डॉक्टर साहब शाही ग्लोबल में ऑप्ट किया उन्होंने कि हम कल लगवाएंगे, तो शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन होगा।